सो गाइस, अभी मैंने इंडियन हैकर का यूट्यूब पर वीडियो देखा, कुलधारा गांव का, जो कुलधारा गांव उन्होंने विजिट किया था एंड पूरा डिटेल में वहां पर एक्सप्लोर किया उन्होंने। तो कुलधारा गांव की आपको स्टोरी पता होगी, मतलब अलग अलग कहानियां। ऐसा कहते हैं कि जो सलीम था, जो जैसलमेर का जो कहते हैं ना, वो राजा मिनिस्टर जो भी कहो कहो आप, तो उसकी एक तानाशाही चलती थी। तो उसको पसंद आ गई थी वहाँ की एक पालीवाल ब्राह्मण रहते थे वहां पर, तो वहाँ की एक लड़की, सुंदर लड़की पसंद आ गई थी। उसने कहा था कि ये इससे मैं शादी करूंगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। फिर उसने कहा था कि मैं जबरदस्ती कर लूंगा। तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, पूरे गांव वालों ने मिलकर, मतलब कुलधारा गांव के आसपास 84 गांव का निर्माण हुआ था, तो उन्होंने सबने डिसाइड किया कि रातों रात ओवरनाइट पूरा गांव वो खाली कर देंगे। और खाली किया उन्होंने, क्योंकि यार सोचो, आपको कहा जाए आपका घर आपको हमेशा के लिए छोड़ना है, आप छोड़ोगे? लेकिन उन्होंने छोड़ा इज्जत के लिए, उनकी घर की बेटियों को ऐसे नहीं देंगे वो किसी को भी, तो उन्होंने इज्जत के लिए छोड़ दिया एंड रातों रात पूरे गांव को खाली कर दिया। फिर उसके बाद में क्या है कि जब उन्होंने गांव को खाली किया तो श्राप दे दिया था कि यहाँ पर कोई भी रुक नहीं पाएगा। एंड 19वीं शताब्दी से अभी तक गांव पूरा वीरान पड़ा हुआ है। यह आपको डिस्क्लेमर वहां पर कुलधारा गांव में जब आप विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि मैंने अभी तक विजिट नहीं किया, राजस्थान में गया हूँ, कई जगह पर विजिट किया है, लेकिन कुलधारा गांव है, भांगड़ का किला है, बहुत सारी जगह है जहां पर विजिट करना बाकी है। वेल, वहां पर भी विजिट करेंगे, जाएंगे, पूरा ब्लॉग बनाएंगे और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। हालांकि आप कितना जानते हो, कितनी सच्चाई कुलधारा गांव की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेल, क्या आपने वो इंडियन हैकर का वीडियो देखा है? हालांकि यूट्यूब पर आपको कुलधारा के ऊपर या फिर भांगड़ फोर्ट के ऊपर या फिर शनिवार वाड़ा, मतलब राजस्थान में तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, हालांकि इंडिया में बहुत सारी जगह, इंडिया में भी आप टॉप पे देखोगे ना तो भांगड़ का किला और कुलधारा गांव आते हैं। और एशिया में भी कहते हैं कि जो भांगड़ का किला है वो टॉप पर आता है हॉन्टेड प्लेसेस में। तो वेल, इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी तक मैंने भूत से आमना सामना हुआ नहीं है, जिसका हुआ होगा उसको ही पता है यार। क्योंकि भूत का ऐसा है कि लाइक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मरने के बाद में क्या होता है, तो वो तो उसी को पता है जो मरा है उसको, अब वो बता तो नहीं सकता वापिस जिंदा होके। तो ऐसा ही सिस्टम है यार भूत को, ऐसा कि यदि आपका भूत से आमना सामना हो गया तो वो आपकी हालत ऐसी कर देगा कि आप बता नहीं सकते, या फिर आपको याद भी नहीं रहेगा कि बहुत से आपका आमने सामना हुआ है। हो सकता है आपके अंदर घुस के आपकी मेमोरी को फ्लैश कर दे, कुछ भी हो सकता है। वेल, अभी तक ऐसे कोई घटना हुई नहीं, हालांकि कहानियां सुनने को मिलती है, बचपन में भी घर वाले सुनाते थे कहानियां भूतों की, तो भूतों की कहानियां सुनते आए हैं और यूट्यूब पर वीडियोस भी देखे हैं, पेरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब के बारे में, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और क्या आप राजस्थान से हो? आप राजस्थान से हो तो राजस्थान वालों की तो यार क्या बात है, मतलब वहां पर राजस्थान में ना इतनी जगह घूमने की, इतने किले हैं, क्या कहें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप राजस्थान से हो, यदि राजस्थान से हो तो जरूर आपसे मिलूंगा मैं, क्योंकि राजस्थान में मेरा आना जाना लगा रहता है। तो अब बहुत टाइम हो गया मतलब राजस्थान जाए, तो अब आऊंगा, सोच रहा हूँ राजस्थान आने की।